नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में चुनाव जितनी तेजी से करीब आ रहे हैं, सभी पार्टियों के बीच चुनावी घमासान भी तेज होता जा रहा है और सभी पार्टियां अब अपने तुरूप के इक्के का इस्तेमाल करने में लग गई हैं। क्योंकि प्रदेश में चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी से होती है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगातार अपना दमखम दिखा रही है। देखिए क्या है पूरा मामला प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली का रास्ता यूपी की राजनीति से होकर जाता है। यही वजह है कि यहाँ चुनाव भी किसी त्योहार से कम नहीं होता और सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल इस त्योहार का हिस्सा जरूर बनना चाहते हैं। फिर चाहे वो सत्ताधारी पक्ष का हिस्सा बने या फिर विपक्षी पार्टी का। अब चुनावों में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जहां पहला चरण का चुनाव पश्चिम यूपी यानी कि जाट लैंड में 10 फरवरी से होना है, जिसको देखते हुए अब इसी चुनावी घमासान में बसपा सुप्रीमो जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। और आखिरकार यूपी की इस सियासी फाइट में मायावती की एंट्री हो चुकी है। मायावती ने ताज नगरी आगरा से अपनी पहली रैली की शुरुआत की है, क्योंकि आगरा में दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिनको साधने के लिए मायावती ने आगरा से आगामी चुनाव का शंखनाद फूंका है। सिर्फ बसपा प्रमुख मायावती ही नहीं, बल्कि भाजपा और सपा रालोद गठबंधन भी जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि लगातार जाट लैंड में दौरों का सिलसिला तेजी से चल रहा है। भाजपा के सभी दिग्गज इस वक्त वेस्ट यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिसको देखते हुए भाजपा के चाणक्य ने खुद जाटलैंड की कमान अपने हाथों में ले रखी है। इसी कड़ी में अमित शाह ने अलीगढ़ में अपना चुनावी प्रचार किया और डोर टू डोर कैंपेन भी किया। सिर्फ शाह ही नहीं, प्रदेश की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री ने भी बुलंदशहर और मथुरा में कई जगह पर सार्वजनिक सभा को संबोधित किया और लोगों से भाजपा सरकार में हुए विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। अब अगर सत्ता पक्ष चुनावी रण में उतर चुका है, तो प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कैसे पीछे रह जाती और पश्चिम यूपी में जीत की दावेदारी ठोक रही सपा रालोद गठबंधन ने भी शामली और बागपत जिले में जनसंपर्क किया। जबकि वेस्ट यूपी में जयंत और अखिलेश लगातार किसानों के मुद्दे को उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधते नजर आते हैं। सोच सकता था कि किसान अगर अपने हक के लिए जाएंगे तो बोल्डर लगा दिए जाएंगे बड़े बड़े। अगर आप लोग उनके समर्थन में जाओगे तो आपके ट्रैक्टर पकड़ लिए जाएंगे, और अगर आप ट्रैक्टर में डीजल भराने जाओगे तो डीजल नहीं मिलेगा, और अगर किसानों के समर्थन में आप आ जाओगे तो हो सकता है लाठी और मुकदमे आप पर लग जाएं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि किसान पीछे नहीं हटा, सरकार को पीछे हटना पड़ा। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव में किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ करके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। एक समय था के झूठ पे सवार होकर लोग सत्ता में आए, लेकिन आज माहौल है कोई नहीं पूछ रहा कब आएंगे अच्छे दिन। सब लोग बस गिन रहे हैं कब खत्म होंगे इनके दिन। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता 10 मार्च को किसके सिर पर वेस्ट यूपी का ताज पहनाती है। चुनावों से पहले सियासी बिसाते बिछ चुकी हैं और मोहरे भी इस चुनावी जंग में उतारे जा चुके हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी की जनता अपना दाव 10 फरवरी को लगाएगी,
ये वही सीट है जहां से निकला संदेश पूरे यूपी के चुनाव की चाल तय करेगा। पश्चिमी यूपी की इन 58 सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है और इनमें से लगभग एक दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां से विभिन्न पार्टियों के 2 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं। ऐसे में वोटों का बंटवारा रोकना कड़ी चुनौती होगी। पिछले चुनावों में भाजपा ने यहां की 90% से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान की रिपोर्ट।